عليكم.你会说韩语吗？我会说韩语。你妈妈会说韩语吗？她不会说。OK, 听个了，इसके translation करते हैं। पहले meaning पे आते हैं new words के। ये हुई का वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके माने हैं कैन और टू बी एबल टू। इसका एक और भी लफ्ज हमने बताया था, दैट इज शैल एंड विल। कंटेक्स्ट के हिसाब से शैल या विल हो सकता है, या फिर ये भी लिख लें आप शैल एंड विल, कैन होगा। अब यहां पे जाहिर है कैन है। आगे दूसरा लफ्ज है शो। शो मीन्स टू स्पीक और से समथिंग। ये यू की आवाज भी और ओ की भी है। शो एंड मामा इज मदर। सेकेंड जो वर्ड है इस पर टोन वो नहीं है, टोन आपको पता है जब रिपीट होता है। मेन वर्ड फॉर मदर इज मा, जब रिपीट करेंगे तो मामा कहेंगे। वैसे वो लोग शॉर्ट में मा भी कहते हैं, फर्स्ट कंप्लीट वर्ड इज मामा। ठीक है, ये वर्ड आप लोग समझ गए। अब मीनिंग क्लियर है। आप अगर वर्ब बाई वर्ड चले, यू कैन स्पीक चाइनीज, क्वेश्चन बना दें, कैन यू स्पीक चाइनीज, अंग्रेजी में करेंगे तो जाहिर है कैन शुरू में चला जाएगा। आई कैन स्पीक चाइनीज, हानयू इज चाइनीज लैंग्वेज, यू नो ऑलरेडी। निमा मा हुई शो हानयू मा, क्या तुम्हारी अम्मी बोल सकती हैं, वालदा बोल सकती हैं। या बेसिकली द मौजूद है, मगर हमने बताया था कि करीबी रिश्तों के लिए द आमतौर पर डिवाइड ड्रॉप कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो करें। उसके बाद हो जाएगा था आप वो खोई शो, हाँ वो नहीं बोल सकती। ठीक है, क्लियर है ये? किसी को कोई क्वेश्चन है कोई इस मामले में तो बताइए। नो सर। ओके।